मैं देवेंद्र बहादुर सिंह, विधायक बसना। मैं वर्तमान में केंद्र सरकार के द्वारा जो कृषि बिल लाया गया है उसका मैं विरोध करता हूं। पहला, कृषि उपज व्यापार वाणिज्य एवं संवर्धन एवं सरलीकरण विधेयक 2020। दूसरा, कृषक सशक्तिकरण संरक्षण कीमत आश्वासन एवं कृषि सेवा पर करार विधेयक 2। तीसरा, आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन विधेयक 3। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं क्योंकि ये किसानों के ऊपर अत्याचार है और ये काला कानून है जिसको हम सभी कांग्रेस जन और सभी किसान भाई इसका विरोध करते हैं। आज आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में, हमारे पंजाब में, हरियाणा में किसानों के द्वारा बहुत पुरजोर तरीके से इसका विरोध किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस पार्टी और हमारे किसान संगठन और विभिन्न राजनीतिक दल भी इसका पुरजोर विरोध करती हैं। आज हम देख रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इस विधेयक के माध्यम से किसानों को मालिक से मजदूर बनाने पर तुले हुए हैं। आज इसमें एमएसपी का कोई उल्लेख नहीं है। कांग्रेस पार्टी और हम सब मांग करते हैं कि केंद्र सरकार एमएसपी के लिए गारंटी दे। केंद्र सरकार आज अपने हर मोर्चे पर विफल है। सभी जो हमारे उपक्रम है केंद्र सरकार के, उसे निजी हाथों पे देने पे सरकार तुली हुई है। आज लॉकडाउन के कारण हजारों हमारे देशवासी और काम करने वाले बेरोजगार हुए हैं। आज जीएसटी का पैसा जो राज्य शासन को मिलना चाहिए था उसका उनका अंश उन्हें नहीं दिया जा रहा है। सभी संस्थाओं को निजीकरण किया जा रहा है, चाहे वो बीएसएनएल हो, ऑयल कंपनी हो, एयर इंडिया हो, रेलवे हो। इससे एक निराशा आम नागरिकों के ऊपर आ रही है। बेरोजगारी सर पर है और कोई व्यवस्था रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उनके द्वारा किया नहीं जा रहा है। और नोटबंदी के कारण हमारे बहुत सारे बैंक भी बंद हो रहे हैं, इससे सिर्फ पूंजीपतियों को फायदा हुआ है। आपको बताना चाहूंगा, 2013 में केंद्र में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उस समय कांग्रेस पार्टी यूपीए गवर्नमेंट ने सस्ता खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया था, जिससे देश के 67% लोगों को सस्ता अनाज उपलब्ध होता था। और जो कांग्रेस पार्टी सहकारिता की व्यवस्था किसानों के सशक्तिकरण के लिए किया था, वो सहकारीकरण का संस्थाएं भी इससे कमजोर होगी और किसानों को कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। सरकार पूंजीपतियों के हाथों में हमारे किसान भाइयों को बंधक बनाना चाहती है। इसका हम लोग सब पुरजोर विरोध करते हैं।